अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल। हम आधा कप मसूर की दाल लेंगे और उसे पानी से अच्छे से धोएंगे ताकि उसकी सारी गंदगी निकल जाए, और फिर उसे बॉइलिंग के लिए रख देंगे। आप कितना पानी डालते हैं डजंट मैटर, बट बॉयल होना चाहिए और कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। हम फिर एक अनियन फाइनली चॉप करेंगे, और फिर हम दो गार्लिक्स लेंगे, दो लहसुन, और फिर उसे फाइनली ग्रेट करेंगे। हम एक पतीले में एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं, और फिर उसमें डलेगा मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, फिर 1 टीस्पून जीरा, और उसे थोड़ी देर के लिए सिजल करके इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, और फिर उनमें चिली डालकर अच्छे से सौते करेंगे। फिर उसमें जाएगा गार्लिक जो हमने ग्रेट किया था, और फिर डालेंगे उसमें 1 कप फाइनली चॉप अनियन, और उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे। फिर हम उसमें 1/3 कप टोमेटो की प्यूरी डालेंगे, मैं यहाँ पे फ्रेश टोमेटो की प्यूरी डाल रही हूँ, और फिर अच्छे से सौते करेंगे। और इसके बाद 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, और फिर हम ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, मसाला हमें जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा पकाना है। देखिए कितने अच्छे से येलो हो चुका है, और कोई मसाला नहीं डलेगा उसमें, और सीधा हम अपना पकाया हुआ दाल डालेंगे। और फिर हम अपने कंसिस्टेंसी के प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, आप अपने कंसिस्टेंसी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ध्यान में रखें जैसे दाल ठंडी हो जाएगी, ये बहुत थिक हो जाएगी, तो इस हिसाब से आप अपना पानी डालें। मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, पर आप अपना सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालें। और फिर सॉल्ट डालने के बाद इसे अच्छे से पकाएं। हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका सारा सॉल्ट दाल में जज्ब हो जाए, और फिर ये रेडी है। इस दाल को हम चावल के साथ, यहाँ तक कि चिकन, फ्राइड आलू, पापड़ या कोई भी वेजिटेबल के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और घर का बना हुआ है। ये हर इंसान के लिए इजी टू मेक है, और कोई भी इसे अच्छे से बना सकता है, एंड देयर इज लिटिल टू नो चांस आप इसमें कोई गलती कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।